गणेश जी के संपूर्ण विवरण में आते हैं। गणेश जी सिर काय का है? गणेश जी का हाथी का, हाथी का सिर, हाथी का सिर सबसे मर्मज्ञ जगह होती है। हाथी को कहीं भी मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मस्तक में थोड़ा सा भी चोट लग जाएगी तो वो विचलित हो जाता है। हाथी को यदि मस्तक में थोड़ी भी चोट लग जाती है तो विचलित हो जाता है, और बाकी शरीर में कहीं भी मारते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात गणेश जी, अर्थात तो भगवान गणेश जी से कि मस्तक से यह शिक्षा मिलती है कि सिर से सिर टकराने की पोजीशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिर में अगर चोट लगने से तुम विचलित हो जाओगे। सिर से सिर ना टकराएं, अर्थात झगड़े से विवाद से दूर रहो, यह शिक्षा पहले सिर से मिलती है। गणेश जी के सिर से प्रथम शिक्षा मिलती है कि हमें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, कलह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सिर सबसे कोमल अंग है और सिर से सिर टकराएगा तो हानि होगी। सिर में चोट लग जाएगा, आपकी लग जाए चोट तो क्या होगा? समस्त नसों का संबंध, पूरा इंजन मस्तक में है। अगर एक की भी नक्स डिस्टर्ब हुई तो तुम्हारा इंजन फेल। दूसरा, गणेश जी की क्या है? आंखें। शरीर सबसे बड़ा है गणेश जी का, मगर आंखें सबसे छोटी है। आंखें हाँ, मगर गणेश जी की आंखों में अपना लेंस नहीं है। गणेश जी की आंखों में वह लेंस है जो वस्तु की स्थिति है वह चार गुनी दिखती है। मान लो जो इतनी उस वस्तु है तो वह चार गुनी दिखेगी उसे, इतना लेंस है। वो लेंस होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, एक में बड़ा दृश्य दिखता है, तो गणेश जी की जो अनेत्र का लेंस है वह ऐसा है। माने हर एक वस्तु को वह बड़ी देखते हैं। छोटी आंख सूक्ष्म बुद्धि का प्रतीक है, छोटी आंख सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है, सूक्ष्म बुद्धि का प्रतीक है। हर वस्तु को बड़ी देखना माने अपन से किसी को छोटा ना मानना। हर वस्तु को बड़ी देखना माने हम अपने से किसी को छोटा ना माने। घर में विवाद क्यों होते हैं? पति पत्नी के विवाद होते हैं, पति पत्नी, सास बहू के झगड़े होते हैं, क्योंकि सास को अभिमान होता है कि मैं सास हूँ, अर्थात मैं सास हूँ, मैं तुझसे बड़ी हूँ। यदि यह अभिमान उसका नष्ट हो जाए तो दोनों समान हैं। कर्दम जी ने जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो विमान का निर्माण किया। विमान माने मान रहे तो होना, क्या? मैं पति हूँ तू पत्नी है, अर्थात मैं बड़ा हूँ तू छोटी है, छोटे बड़े पति पत्नी दोनों एक अर्धांग हैं, हैं? अब जब अर्धांग हैं तो बड़े छोटे कहाँ से आ गए? बड़े छोटे का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी तो एक दूसरे के अर्धांग हैं, आधा अंग माना जाता है, और पत्नी को अर्धांगनी भी कहा जाता है। तो जब आधा अंग है अर्धांगनी है तो बड़ा और छोटा का सवाल कहाँ से उत्पन्न हो गया? गृहस्थ में रह करके जहाँ जब तुम्हारे अंदर बड़ा छोटा, हमारा तुम्हारा, मेरा तेरा, जे परिवार में यदि प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे तो गृहस्थ जीवन बिखर जाता। मान लीजिए दो भाई हैं, जे मेरा पुत्र है जे है। अब मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट से दो आम लाए, आपका भी एक पुत्र है, एक पुत्र भाई का है, और आम लाके आपने जब लाया वहाँ नहीं देखा, रास्ते में देखा कि ये आम खराब है, यह आम खराब है, तो जो खराब वाला है तो अपने भाई के लड़के को दे दिया, अच्छा वाला अपने पुत्र को, अर्थात यहाँ विषमता उत्पन्न हो गई आपके मन में, विषमता उत्पन्न हो गई। अगर आप यह विचार ना करते, वैसे ही दे देते, किसी के हाथ में कोई भी चला जाता तो वह विषम भाव उत्पन्न नहीं है, विषमता नहीं है, मगर देख करके जो काम किया गया वह विषम भाव है। विषम भाव है जहाँ विषमता उत्पन्न हो जाती है, तो यह मेरा है यह तेरा है, यह छोटा है यह बड़ा है, और जब ऐसा भाव आ जाता है तो मनुष्य को संतोष से अलग हो जाता, संतुष्टि उसे प्राप्त नहीं होती। जब संतुष्टि प्राप्त नहीं होती
तो क्या होता है, विवाद की स्थिति बनती है। तो हाथी की जो आंख है, छोटी आंख बड़ा दृश्य देखना, अर्थात हम अपने से किसी को छोटा ना माने, यही इसका उपदेश है। इसके बाद नाक, गणेश जी की नाक सबसे बड़ी है, समझ गए, और नाक की समाज में बहुत कीमत है। कोई भी तुम गलत कार्य करोगे समाज में वो नाक कटा दिया, बोलोगे ना? हाँ, गणेश जी की नाक बहुत बड़ी है, अर्थात वो संदेशा देते हैं कि नाक की सुरक्षा करो, नाक तुम्हारी शान है। इनकी यह दृढ़ भावना ना होती तो क्या गणेश जी प्रथम पूज्य होते? नहीं होते। गणेश जी के कान, सभी अंग गणेश जी के अपन लोगों से अलग हैं, और सभी अंग एक एक उपदेश, एक गूढ़ उपदेश देते हैं। कान बड़े बड़े कान हैं, हाँ, बड़े कान का तात्पर्य यह है कि कानों से जो श्रवण करो उसे मनन करो, श्रवण करने के बाद तत्काल उतावले होकर के एक्शन नहीं लो, या किसी भी प्रकार से किसी की निंदा सुन रहे हो तो निंदा क्या है, विष है, उसे श्रवण करके और अपने गले में उतार लो, ना पेट में जाए ना बाहर निकले, गले में रहे, ना पेट में जाए ना बाहर निकले। अगर किसी भी प्रकार से कोई आपको गलत सूचना दे रहा है तो उसकी जांच करो, अर्थात इसको अब जल्दी एक्शन लेने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं, कच्चे कान वाला। क्या कहते हैं? कच्चे कान वाला। कानों से श्रवण करके यदि मनुष्य गलत एक्शन ले लेता है, और गलत एक्शन जब ले लेता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए बड़े कान का तात्पर्य कि श्रवण करके कच्चे कान के ना बनो, उसमें निर्णय लो, तहकीकात करो, पहले देखो सुनो, इसके बाद गलत कान नहीं होना चाहिए। हाथी की जीभ, हाथी की जीभ भी विचित्र है। हाथी की जीभ का तात्पर्य है कि जिह्वा से हम कहते हैं शब्द, शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वजन कठोर। शब्दों को नियोज व्यवस्थित करके किसी भी प्रकार किसी को भी अपने शब्दों के द्वारा गलत प्रकार से दुख ना पहुँचे, ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो शब्द माने वाणी, वाणी भी अच्छी बोलनी चाहिए ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे और उसका प्रभाव भी अच्छा हो। हाथी की जिह्वा विचित्र है। अगर आपको कभी क्रोध आता है, आप लोगों को क्रोध आता है, आता है, यदि क्रोध आए आपको तो मैं एक उपाय बताता हूं, क्रोध आपका शांत हो जाएगा, आप बिल्कुल झगड़े नहीं हो कर पाओगे। संसारी वस्तुओं का जो हम चिंतन करते हैं, जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वे वस्तुएं अप्राप्त हैं, संसारिक वस्तुएं अप्राप्त हैं, जिन्हें हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। परमात्मा अप्राप्त नहीं है, परमात्मा तो प्राप्त है, हम प्राप्त की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, तो प्राप्त तो हमें है ही, केवल प्रकृति से संबंध विच्छेद करना है। जिस समय प्रकृति से आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा उसी समय परमात्मा तुम्हारे पास है। सत्कर्म करने से, परमात्मा का ध्यान करने से प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। जब तक प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता, उत्कट भगवान से मिलने की इच्छा जागृत नहीं होती, जब तक भगवान नहीं मिलता। चाहे तुम हजार वर्ष तक तपस्या करते रहो, जब तक उत्कट इच्छा भगवान से मिलने की जागृत ना होगी, अर्थात जब उत्कट इच्छा भगवान से मिलने की कब होगी, जब प्रकृति से इस
प्रकृति से आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि हाथी की जो जिह्वा है उस जिह्वा से हमें सीखना चाहिए। पहले हाथी की जिह्वा कैसी है? तुम्हारी जिह्वा कंठ से निकलती है, आगे की ओर लपलपाती है। हाथी की जिह्वा दांतों से निकलती है, अंदर की ओर जाती है। बाहर आपने कभी हाथी को जीभ निकालते देखा? हाथी को आप लोगों ने कभी जीभ बाहर निकालते देखा है? शेर बाहर जीभ निकालता है, पानी पीता है। कुत्ता बाहर जीभ निकालता है, तुम बाहर जीभ निकालते हो। जानवर बाहर जीभ निकालते हैं। कभी आपने देखा कि हाथी ने बाहर जीभ निकाली हो? नहीं देखा। हाथी की जीभ दांतों के पास से निकलती है। दांतों के जहां से दांत निकलते हैं, दांतों के पास से वो निकलती है और अंदर की ओर जाती है। बाहर नहीं निकलती, वो अंदर की ओर जाती है, कंठ की ओर जाती है। तुम्हारी जिह्वा कंठ से निकलती है, बाहर की ओर जाती है। अर्थात तो हाथी का संदेश जिह्वा का जे भी है कि अपनी जिह्वा का जो अग्र भाग है उसे अंदर रखो, क्योंकि अग्र भाग से शब्द निकलते हैं। अग्र भाग से शब्द निकलते हैं। तो शब्दों के द्वारा कोई प्रताड़ित ना हो, शब्दों के द्वारा कोई दुखी ना हो, शब्दों के मार से, क्योंकि कहते हैं कि शब्द का ऐसा मार होती है, शब्द की ऐसी मार होती है कि आदमी विचलित हो जाता है। हथियार की गोली की मार से भी तेज होती है। गोली की मार का घाव एक दिन ठीक हो सकता है, शब्द की मार का घाव ठीक नहीं होता। तो शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव।